अभी तक अपनी गाड़ी फंसी हुई है वहाँ पे फंसी हुई है भाई। इसको बोलते हैं जबल हफीत माउंट। उधर एक कैफेटेरिया बनाया गया है छोटा सा, अबू धाबी सुरता अभी भी सुरता उधर जाती। इंडिया में अच्छा हुआ टिकटॉक बैन हो गया, वरना नहीं बैन होता ना भाई तो कुछ और ही हो जाता। अभी तक तो गाड़ी आई नहीं है शायद, या तो उन्होंने कहीं पे दूसरी जगह पार्क कर दी है। बहुत भयंकर भाई, ये देखो। और यहाँ पे भी देखो एक और गाड़ी खड़ी है, दिखा देता हूँ। ये भी गर्म हो रखी है देखो, ये खड़ी वहाँ तक रश लगा हुआ है, गाड़ियाँ वापिस रिटर्न मारती है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपने घर पे स्वस्थ मस्त होंगे। आज का व्लॉग अपने स्टार्ट कर रहे हैं अपने हॉल से, और बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है भाई लोग, मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इन दो तीन दिन में मैं बाहर गए नहीं। कल परसों ईद थी, आपको पता होगा क्योंकि मैंने ईद मुबारक भी किया था सबको इंस्टाग्राम पर। तो ईद के दिन मैं गया तो भाई यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा है 45-49, मतलब हालत ख़राब भाई, बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है ना, बंदा घूम ही नहीं सकता, इवनिंग में भी नहीं जा सकता, रात को भी इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना। अभी बाहर देख लो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, 5 बज रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि इंडिया की, जैसे अपने इंडिया में गर्मी पड़ती है ना, दोपहर के 12 बज रहे हैं। और ये आज अपन को, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये अपना लास्ट ब्लॉग होने वाला है दुबई में, क्योंकि हम लोगों ने फ्लाइट टिकट वगैरह करवा लिए, एक महीने का अपना ना घूमने का हो गया है, सारी जगह अपन ने एक्सप्लोर कर ली है। तो अब सोचा अब यार यहाँ पे ना ज़्यादा मन भी नहीं लगता, क्योंकि अपना देश तो अपना देश ही होता है यार, तो वही चीज़ है। तो अभी अपनी फ्लाइट टिकट हो चुकी है, अपन एक दो दिन में, दो दिन बाद, परसों शाम को अपनी फ्लाइट है, और उसके अगले दिन अपन इंडिया में मिलेंगे। तो आज ही अपना लास्ट ब्लॉग होने वाला है। तो अभी देख लो अपन ने शॉपिंग की है भाई, इतने सारा सामान बिखरा पड़ा है यहाँ पे, ये देखो हालत कैसी हो रखी है। ये देखो ये अपना ईवी स्कूटर भी मैंने पैक वगैरह कर दिया है इसमें, तो सारी चीज़ें डन हो रखी हैं, सारी चीज़ें सारा सामान पैक कर दिया है। तो आज अपन घूमने जा रहे हैं एलेन के लिए। एलेन में एक माउंट है एलेन, यहाँ से कम 200 किलोमीटर दूर है वहाँ पे, क्या नाम है, अल हफीज़ या अल जफील कुछ मुझे पता नहीं, कुछ इस तरीके का एक माउंट है, बहुत प्यारा माउंट है। मैं फर्स्ट टाइम आया था ना दुबई में 2019 में, तब गया था, बहुत प्यारा माउंट है, बहुत ऊंचा, जैसे अपने हर्ष माउंटेन को 20 गुना या 30 गुना कर लेना इतना ऊंचा है। तो वहाँ चलते हैं, अभी रूम को लॉक कर दिया मैंने, और टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट नीचे चलते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं नीचे, और नीचे पार्किंग में वेट कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया बिकॉज मैं अंदर शूट वगैरह करने लग गया था, तो अभी लिफ्ट आ रही है सेकेंड फ्लोर पर, और जैसे लिफ्ट आती फिर चलते हैं। भाई आजा आजा, इतना टाइम क्यों लगा रही है तू, दोनों लिफ्टें रुक गई यार, वो फिर से नीचे गई, अब आ रही है। तो भाई लोग अभी अपन आ चुके हैं कार में, और अभी अपन जा रहे हैं एलेन के लिए। तो अबू धाबी की एक सिटी है, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर है समथिंग, तो 2-2.5 घंटे का ट्रेवल होने वाला है। और आपको इधर दिखा देता हूँ मैं, ये देखो पूरा सुनसान एरिया है, और अभी भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, और रास्ते में चलते चलते अपनी बिस्किट पार्टी भी हो रही है, बिस्किट वगैरह खा रहे हैं। तो अभी 2-2.5 घंटे का ट्रेवल होने वाला है, तो चलते हैं। जबल हफीत जो माउंट है उसके पास में, यहाँ पे माउंट्स ही माउंट्स हैं, देख रहे हो पहाड़ ही पहाड़ है सामने, ये देखो, और सामने ये देखो अबू धाबी पुलिस की गाड़ी जा रही है सामने, तो जहाँ की मतलब दुबई और अबू धाबी और शारजा तीनों की पुलिस की गाड़ियों में डिफरेंस होता है, अलग अलग तरीके की होती हैं गाड़ियाँ। और ये देखो इधर जो मेन माउंट है ना वो इधर है, इधर से दिखेगा, बहुत बड़ा माउंट है। तो अभी इस पे चलते हैं, ऊपर से भी अच्छा व्यू आने वाला है, क्योंकि ऊपर बॉर्डर भी लगता है, जहाँ तक मैं एक बार पहले आया था ना मुझे पता है, ऊपर जो पास में कंट्री है ओमान उसका बॉर्डर लगता है। और इधर देख लो कुछ इस, अभी सनसेट भी होने को आ गया है, 6:30 बजे का टाइम हो गया है समथिंग, और इधर बिल्डिंगें बनी हुई हैं अरबियों की, ये भी। पहाड़ पे जा रहे हैं, और रास्ते देखो भाई इतने भयंकर भयंकर खतरनाक रास्ते आ रहे हैं, ये देखो मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा माउंट है ये। यहाँ पे रास्ते में इतनी गाड़ियाँ मिली जो मतलब अंदर से उनका रेडिएटर गर्म हो गया था, जो क्योंकि हाइट पे चढ़ने में ना गाड़ी को ज़्यादा पावर लगता है, ज़्यादा पावर कंज्यूम होता है, बट उतना पावर होता नहीं है तो कारों के पास, तो गर्म हो जाती है, तो रुकी हुई थी कई गाड़ियाँ। और यहाँ पर भी देखो एक और गाड़ी खड़ी है, दिखा देता हूँ, ये भी गर्म हो रखी है देखो, ये खड़ी, इसका बोनट खोल रखा है इन्होंने। तो अभी यहाँ पे यही सीन है, क्योंकि धीरे धीरे चलोगे तो शायद काम बन सकता है, बट पावर कम होता है ना, वो गाड़ियाँ सक्सेस नहीं हो पाती, गर्म हो जाती है। अब पहाड़ी देखो भाई, बहुत भयंकर माउंट है, बहुत बड़ा, ये देखो यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रखी है,
मतलब अपना हर्ष वाला माउंट तो क्या ही लगे इसके सामने, बहुत बड़ा। और उस दिन अपन गए थे ना, उससे भी बहुत बड़ा माउंट है यार। अभी तो बहुत कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 5-7 किलोमीटर और कवर करना है। तो मैं आपको घर दिखा रहा था ना, जो अरबी का घर है वो देखो सामने, वो बना हुआ है भाई एकदम पूरे मतलब माउंट के कोने पे बना हुआ है। बहुत प्यारा घर है भाई, एकदम एंड पे जहाँ से मतलब ऐसा लगता है ना लैंडस्लाइडिंग होगी, वहाँ पे बना हुआ है। बहुत पहले भी देखा था, ये एक ही घर है यहाँ पे, पता नहीं किसका है, लेकिन भाई बड़ा अमेजिंग लग रहा है। तो भाई लोग, मैं अभी आ चुका हूँ एलेन माउंट के ऊपर, जो जवल हफीत नाम से है। मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको माउंट, ये देखो बड़ा प्यारा माउंट है भाई। और उधर गाड़ी उधर ही फंसी हुई है, क्योंकि मैं तो बीच में से ट्रैफिक में से निकल के आ गया था, क्योंकि ट्रैफिक में से इसलिए निकल के आ गया था, देखो कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है यहाँ पे, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरे पापा वगैरह तो गाड़ी में है, मैं निकल के आ गया था। मैं सोचा यार मेरे को शूट करना है, और अभी समथिंग 15 या 20 मिनट के बाद है ना सनसेट भी होने वाला है, तो फिर कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो अभी चलते हैं पीछे और आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। और ये देखो यहाँ की पुलिस की गाड़ी, जो मतलब बोलते हैं ना अबू धाबी सुरता अभी भी सुरता उधर जाती सुरता। यहाँ पे पता है क्या है, पुलिस की गाड़ी इस डिवाइडर के ऊपर से आ गई थी। तो मतलब पुलिस के हाथ में इतना पावर है, वो कहीं से भी कैसे भी जा सकते हैं भाई। वो ट्रैफिक क्लियर करवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखो ट्रैफिक वगैरह हटा रहे हैं, क्योंकि पुलिस के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर होता है इधर भाई, जो अपन बोलते हैं ना अभी भी सुरता के हाथ में बहुत पावर होता है। तो देखो अभी ये देखो मस्टैंग, तो अभी गाड़ियाँ जा रही हैं, वो इस वाले रास्ते से आई थी, अभी तक अपनी गाड़ी फंसी हुई है वहाँ पे फंसी हुई है भाई, हिली नहीं है भाई। अच्छा हुआ मैं निकल के आ गया, वरना मैं गाड़ी में रह जाता और अभी तक ये भी इंजॉय नहीं कर पाता। रश देखो भाई, और पूरा जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मतलब दुबई बोल सकते हैं, पूरा नीचे रह गया। सामने सनसेट का व्यू भी काफ़ी प्यारा आ रहा है ना, मस्त जगह। इधर चलते हैं अभी, ये देखो भाई माउंट देखो भाई, पूरी पब्लिक एंजॉय कर रही है मस्त। और भाई होना भी चाहिए ऐसी चीज़, ऐसी लोकेशन होनी भी चाहिए, अपने भी है बट इतना बड़ा माउंट नहीं है कि। और अभी सबसे बड़ा क्या है कि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, ईद चल रही है, तो सब लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं मस्त फैमिली के साथ। ये देखो भाई, और इस टाइम आने का मज़ा है, क्योंकि अभी दुबई में गर्मी का जो हालत है ना भाई, 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, बंदा शाम के 5 या 6 बजे तक तो निकल ही नहीं सकता भाई। अगर तुम्हारे पास कार है तो जो बंदा विजिट पे, उसके पास कार कहाँ से होगी, उसको मेट्रो स्टेशन तक, जैसे कि मेरे को मान लो मेरे को रूम से अगर मेट्रो स्टेशन के पास में भी जाना है ना, तो भाई इस टाइम में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। ये देखो भाई, अभी कम से कम 4 साल बाद फिर से इस माउंट को देख रहा हूँ मैं भाई। ये देखो भाई, ये माउंट है, इसको बोलते हैं जवल हफीत माउंट। उधर एक कैफेटेरिया बनाया गया है छोटा सा, मतलब जिसको कुछ खाना पीना है ना, कुछ ड्रिंक्स वगैरह करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके पीछे है ओमान, जो दूसरी सिटी बोलते हैं ना अपन ओमान सिटी, तो ये है ओमान, तो इसके पीछे है ओमान। तो अभी पापा वगैरह तो कार में है, क्योंकि अभी तक वो ट्रैफिक से नहीं निकले, तो उनका वेट कर रहा हूँ, वो आ जाते हैं। भाई एक चीज़ और बताऊँ मैं आप सबको, कि दुबई में आने के बाद आज अभी तक मैंने कभी ठंडी हवा का मतलब फील ही नहीं लिया कि यहाँ पे ठंडी हवा चलती भी है क्या। बट इस माउंट पे आने के बाद ऐसा लग रहा है हाँ भाई यहाँ पे ठंडी हवा चलती है, क्योंकि अभी हवा का फ्लो इतना अच्छा है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और माउंट मेरे सामने है जस्ट, और इधर है ना इधर वाली साइड भी बहुत मतलब जो नीचे का माउंट्स का जो पहाड़ों का भाई जो व्यू आ रहा है ना, मैं आपको एक बार वो व्यू दिखा देता हूँ, बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है भाई। देखो आप इधर से दिखा देता हूँ, मैं इधर से देखना, इधर वाली साइड काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है, पीछे माउंट तो आ रहा है अपने। ये देखो भाई बहुत बहुत भयंकर भाई, ये देखो थोड़ा थोड़ा नीचे का दिख रहा होगा आपको, जो नीचे की मतलब जो जमीन जहाँ से अपन आए हैं, धरती से धरती एकदम जमीन नीचे रह गई है, बहुत ऊंचा पहाड़ है भाई बहुत ऊंचा। तो भाई लोग मसला भी ये हो गया है कि गाड़ी तो आ गई है बट पार्किंग नहीं मिल रही थी, तो मैंने मुश्किल से पार्किंग ढूंढी है, पीछे मुझे पार्किंग मिल रही है बट पापा उधर फंसे हुए हैं, पता नहीं निकलेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आ जाए तो उनको पार्किंग दिला दूँ, वरना दूसरी कार आएंगी तो भाई वो पार्क कर देंगे, तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। अभी तक तो गाड़ी आई नहीं है शायद, या तो उन्होंने कहीं पे दूसरी जगह पार्क कर दी है, और अभी एक गाड़ी तो आ गई, अब एक ही गाड़ी की पार्किंग बची है, देखता हूँ कब तक आते हैं, उनको गाड़ी पार्क करवा देता हूँ यार पहले। तो अभी पापा वगैरह भी आ गए, उनको मैंने कार वगैरह पार्क करवा दी थी, पार्किंग मिल गई मुश्किल से। और अभी अंधेरा भी होने वाला है, यहाँ पे लाइट्स वगैरह ऑन हो गई है जैसे कि आप देख सकते हो,
और अब नज़ारा कुछ ज़्यादा ही प्यारा आ रहा है भाई, क्योंकि जैसे लाइटें ऑन हो जाती है ना, अब मेरे को इधर होना पड़ेगा बिकॉज सनसेट इधर हो रहा है, तो उधर से मेरा चेहरा पूरा ब्लैक आएगा। तो अभी लाइटनिंग वगैरह ऑन होगी, अभी और लोग आ रहे हैं भाई, भीड़ मतलब कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा नहीं हो रहा कि जैसे रात होती है अपने क्या होता है रश कम होता है, यहाँ पे रश ज़्यादा होता है, जैसे अंधेरा होता है वैसे रश ज़्यादा होता है। और अभी ये मैं एक चीज़ और बता रहा था आपको, मैंने बताया होगा फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अपना दुबई में लास्ट व्लॉग होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी जगह अपन ने एक्सप्लोर की, बहुत जगह घूमे, बहुत मज़ा किया, बहुत मतलब जो यादें हैं ना वो साथ में लेके जाएंगे। कोई नहीं, जो अपना थर्ड या फोर्थ टाइम एक्सपीरियंस रहा है, बट कोई नहीं यार, ये चीज़ें हमेशा रहती हैं इंसान के साथ, और कुछ नया करना करते रहना चाहिए इंसान को, कुछ नया करता रहना चाहिए। तो मज़ा आया भाई, सारी जगह घूमे, एक्सपीरियंस किया। और पता है आज मेरा प्लान था जाने का, जो बुर्ज खलीफा है वहाँ पे जाने का प्लान था उसमें ऊपर, बट सीन ये हो गया था कि उसकी है ना अभी ईद की वजह से टिकट वगैरह इतनी कॉस्टली हो रही थी, तो पापा ने तो बोला आप चले जाओ, बट मैंने मना कर दिया कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो अपन दुबई फ्रेम में गए थे ना सेम वैसा ही वहाँ पे व्यू मिलता है अपना नीचे का, जैसे ऊपर चले गए अपन 150 फ्लोर पे चले गए, वहाँ से ऊपर से बिल्डिंगों का व्यू ले लो, और कुछ नहीं है, जैसा दुबई फ्रेम में था ना सेम वैसा ही है। तो भाई मेरे को पैसे वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं पैसे वेस्ट करूँ, तो मैंने बोला नहीं नहीं जाना। तो सिस्टर ने मना कर दिया, मेरी बहन ने बोला मेरे को भी नहीं जाना, क्योंकि जिस दिन अपन दुबई फ्रेम में गए थे ना उस दिन इतने ज़्यादा बोर हो गए थे, मतलब एकदम वैल्यू फॉर मनी नहीं थी वो चीज़, इसलिए हम लोगों ने मना कर दिया। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ फेमस क्या पता है, टिकटॉक। अपने इंडिया में टिकटॉक बैन है ना, यहाँ पे टिकटॉक के बहुत सारे स्टार है भाई, टिकटॉक के बहुत सारे स्टार्स आते हैं जो अपनी टिकटॉक या रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स तो नहीं बोल सकते उनको, जो टिकटॉक या रील्स बनाते हैं भाई, बड़े अमेजिंग अमेजिंग गाने होते हैं उनके। मैंने खुद में यहाँ पे थोड़ा लॉगिन वगैरह किया था, यहाँ टिकटॉक यहाँ पे इंस्टॉल किया था, फिर उस पर भाई रील्स देखता हूँ, बट यहाँ का कंटेंट बहुत प्यारा है भाई, टिकटॉक का कंटेंट अमेजिंग। एक चीज़ पे मुझे अच्छा लग रहा है पता है, क्योंकि इंडिया में अच्छा हुआ टिकटॉक बैन हो गया, वरना नहीं बैन होता ना भाई तो कुछ और ही हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर कंटेंट है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना दुबई में उनको पता है टिकटॉक पे कौन से कंटेंट है। मैं आपको बोल रहा था ना कि मैं आपको रश दिखाता हूँ, कितना रश, मतलब लोग इतने वेट कर रहे हैं, इतना वेटिंग लिस्ट में गाड़ियाँ लगी हुई हैं। इधर देखना अभी आप, इधर दिखाता हूँ, ये देखो भाई इतनी सारी कार्स लगी हुई, वहाँ तक लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। और अभी जब अपन आए थे ना अपनी कार यहाँ पे लगी हुई थी, और अभी देखो यहाँ वहाँ तक रश लगा हुआ है, वहाँ पर गाड़ियाँ वापस रिटर्न मार दी है, क्योंकि बहुत टाइमिंग लगेगा भाई यहाँ पे। ये देखो इधर देखो, वो वाली गाड़ी वापस जा रही है, कई गाड़ियाँ वापस जा रही हैं घूम घूम के, क्योंकि यहाँ पे यही सीन है भाई, सारे रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि भाई रॉन्ग साइड में आ गए अपने इंडिया की तरह, हाँ रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसा दी और मेरे को जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा ना नाइट कैंपिंग करते हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा मज़ा आता है, तो उसके लिए यहाँ पे पार्किंग ऑलरेडी फुल हो रखी है, गाड़ियों को जगह नहीं मिल रही। जैसे फ्लाइट में से अपने को व्यू दिख रहा था वो सेम व्यू दिख रहा है, ये देखो पूरा दुबई का व्यू देखो भाई, ये देखो इधर से दिखाता हूँ आपको, इधर से देखना आपको, ये देखो अब इस चीज़ को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपन किस साइड पे हैं, किस ऊंचाई पे मैं मतलब किस ऊंचाई पे मैं खड़ा हूँ। तो वही लोग अभी माउंट पे घूम लिए अच्छे से, पीछे आपको माउंट दिख रहा होगा, ये रहा माउंट, और अभी अंधेरा हो गया, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, जो लोग नाइट कैंपिंग करेंगे ना वो यहीं पे रुकेंगे, अभी भी मतलब रश है, काफ़ी अच्छा रश है, और रास्ते में गाड़ियाँ वेटिंग लिस्ट में ही लगी हुई हैं। तो अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से और चलेंगे अभी डिनर करने के लिए कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में, और देख सकते हो यहाँ पे कुछ डांस वगैरह भी हो रहा है, तो डांस वांस भी चल रहा है, तो जो अपने पाकिस्तानी भाई हैं वो डांस वगैरह कर रहे हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं कार में, फिर देखते हैं आगे क्या खाने का प्लान बनता है अपना आगे। तो भाई लोग अभी अपन आ चुके हैं रेस्टोरेंट पे, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको रेस्टोरेंट भाई, अपन हाईवे पे चल रहे थे, कम से कम 180-190 किलोमीटर की रोड है, तो उस पर रेस्टोरेंट मिलना बहुत मुश्किल था यार, तो इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद ये रेस्टोरेंट मिला, बिकॉज अपने को पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चाहिए था क्योंकि उसमें खाना अच्छा मिलता है, तो मेरे पीछे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, और अभी यहाँ पे खाना वगैरह खाते हैं, बिकॉज देख सकते हो कुछ इस तरीके का रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं रेस्टोरेंट है, तो अपन ने अच्छे से इन्जॉय किया। अभी यहाँ पे खाने वाना खाते हैं और निकलते हैं, क्योंकि अभी दुबई का टाइमिंग बताऊँ ना मैं 9:30 हो चुके हैं, तो यहाँ पे डिनर करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले से प्यारे से मस्त से बॉम्ब से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ मस्त खुश और खाते पीते रहो, और ऐसे अपने भाई की वीडियोस पे प्यार बरसाते रहो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड पीस आउट गाइस।